डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी में जो परीक्षाएं आने वाले समय में होंगी उसमें आपको बहुत कुछ बदलाव आने वाले समय में दिखाई देगा। आयोग लगातार इंडिकेशंस दे रहा है कि छात्र अब तैयार हो जाएं। ये लुसेंट क्राउन ये सब तो अपनी जगह पे है, सब चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो लगातार प्रश्नों के चरित्रों के द्वारा ये बता रहे हैं कि आप अपनी तैयारी को धार देना स्टार्ट कर दीजिए। पिछला एग्जाम जो हुआ, जो कैंसिल हो गया, उस एग्जाम ने बहुत सारी सीख स्टूडेंट्स को दी और ये आने वाले समय में काम आएगा और आप लोग भी अब तैयार रहे। हमारा सीजीएल का जो बीएसएससी सीजीएल का बैच है 20 से स्टार्ट होगा और 25 तारीख से बीपीएससी का जो री एग्जाम है उसका पेड कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। 20 से सीजीएल, 25 से बीपीएससी। हम इस बार कुछ बदलाव करेंगे क्योंकि लगातार हम भी देख रहे हैं कि ये लूसेंट है, क्राउन है या इस तरह का पूर्वावलोकन, ये सब अपनी जगह पे चल रहा है। अच्छी बुक है, अच्छा काम है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन अनिवार्य है। और अब आप जब हम कुछ बुक सजेस्ट करेंगे तो ये मत कहिएगा कि सर इतने बुक्स क्यों बता रहे हैं, ये हम नहीं पढ़ पाएंगे, समय नहीं है। विशेषकर पॉलिटी में और ज्योग्राफी में सुधार की आवश्यकता है। हम भी ये सब चला रहे हैं आपके दबाव पर, ये सोचते हुए कि कम से कम समय में आप इतना कम से कम कर लें। आपको फैसिलिटेट हम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, सेगमेंट्स हैं जिसमें सुधार परिष्कार की आवश्यकता है, विशेषकर पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, प्लस इकोनॉमी में। ये तीन सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो लगातार आपका टेस्ट ले रहे हैं और जो लोसेंट और पूर्वावलोकन और क्राउन ये सब हम कर रहे हैं या हम लोग करते हैं उसमें थोड़ा सा और बदलाव की आवश्यकता, थोड़ा सा और इनरिच करना चाहिए। तो ये हम नए जो कोर्स चलाएंगे उसमें ये थोड़ा बहुत इन तीन सेगमेंट्स में बदलाव करेंगे। आपको ये सब सहना पड़ेगा, करना पड़ेगा अगर आने वाले जो री एग्जाम होगा 67वीं का उसमें परफॉर्म करना है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार कह रहे हैं कि सर मेंस की तैयारी के बारे में कुछ बताइए। हम फिर से कहेंगे, अगर आप मजबूत स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, तैयारी अच्छी थी, इस बार भी आपने 110 प्लस किया, 115 किया, तो डेफिनेटली आप मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी री एग्जाम होने में कम से कम 2 से 2.5 महीना लग जाएगा। पहले तो हमें लग रहा था कि 50 दिन के अंदर हो जाएगा। आयोग भी प्रयासरत है, लेकिन आयोग बहुत सारे सुधार के बाद अब ये री एग्जाम लेना चाह रहा है। अब ये दूध का चला है तो ये अब छाछ की फूक फूक कर पिएगा। आप देख रहे हैं कि लगातार कहा जा रहा है कि आप प्राइवेट कॉलेजेस में सेंटर नहीं रहेगा, सभी जगह जैमर लगाया जाएगा और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं या इनविजिलेटर हैं अब उनके साथ बहुत सारी शर्तें लगी होगी उनके कार्यपालन में, तो ये सब होगा। प्लस प्रश्न के बारे में भी आयोग ने कहा कि अब प्रश्नों में थोड़ा सा बदलाव होगा। बदलाव का मतलब ये नहीं कि एकदम से अचानक से यूपीएससी बन जाएगा, लेकिन आपने इस बार के एग्जाम को देखा होगा कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, विशेषकर ये 2-3 सेगमेंट्स काफी डेप्थ वाले क्वेश्चंस थे और पॉलिटी और ज्योग्राफी में तो सदैव दिख रहा है कि यस डेप्थ आ रहा है, तो इस पर थोड़ा सा हम लोग काम करेंगे। आप रेडी रहिएगा, हम हैं आपके साथ, कुछ सजेस्टेड बुक्स को हम लोग चलाएंगे, अच्छा जिसमें कंसेप्ट है ये सब कुछ एक्स्ट्रा, लेकिन कोई ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं हम एम लक्ष्मीकांत अभी भी नहीं चलाएंगे क्योंकि उतना मोटा बुक अचानक से आप सभी पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, हम जानते हैं, क्योंकि हम 80% उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं या उधर देखते हैं जो अभी भी शॉर्टकट वन लाइनर्स करते हैं या उनके पास समय नहीं है या बहुत सारे लोग नए हैं। अब अचानक से एम लक्ष्मीकांत हम आपको थमा देंगे पॉलिटी का, तो हम जानते हैं कि आप पूरा पढ़ भी जाइएगा याद नहीं रहेगा, तब भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, हालांकि वो सारे पढ़े हुए आ जाएंगे, तब भी चूंकि आप बार बार नहीं पढ़े हुए हैं, रिवाइज नहीं किए हुए होते हैं, चूंकि इतनी मोटी बुक है तो वो हम नहीं चलाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा रिप्लेसमेंट करेंगे जो आपका ये क्राउन लूसेंट के थोड़ा सा एट पार होगा, वो आपको दिखाई देगा, तो बी रेडी। लेकिन याद रखिए कि आप जो एग्जाम होगा उसमें ये सारे बदलाव होंगे, आपको भी मेंटली इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। क्या के सख्ती तो होगी केंद्रों पर, प्लस क्वेश्चन का पैटर्न भी आपने झलक देख लिया है, हो सकता है ये ट्रेलर पूरे फिल्म में परिवर्तित हो जाए और हिस्ट्री या साइंस या करंट अफेयर्स के जिस तरह के प्रश्न आए ठीक ठाक थे, बनने वाले थे, कहीं ये भी ना टफ हो जाए। ऐसी संभावना है कि साइंस का प्रश्न रहेगा, बनने वाला रहेगा, हिस्ट्री भी बन जाएगा, करंट अफेयर्स भी बनेगा, पुराना नया तो चलता रहता है, लेकिन ज्योग्राफी में, पॉलिटी में और इकोनॉमी में सदैव स्पेस बना रहता है कि उसमें ऐसे प्रश्नों को घुसा दिया जाए जो प्रश्न हम सबों के लिए टफ हो जाता है। तो कुछ बदलाव आपको देख सकता है, साथ ही आपको भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि थोड़ा सा और कंसोलिडेशन की आवश्यकता है।
और उन लोगों के लिए तो असाय ऑफ रिलीफ है जिन्होंने अच्छा प्रयास किया था लेकिन कट ऑफ इस बार वो पार नहीं करते या नहीं करती। आपके लिए एक गिफ्ट के रूप में ये एग्जाम फिर से होने जा रहा है। तो जिन लोगों के इस बार रिजल्ट नहीं होते वो समझ रही है या समझ रहे हैं, वो आप कम से कम इस बचे हुए समय में अपनी तैयारी को मजबूत कर लें। 2 से 2.5 महीने में ये एग्जाम हो जाएगा। आयोग का कहना है कि बाढ़ आने से पहले हम परीक्षा करा लेना चाहेंगे, क्योंकि पूरे उत्तरी बिहार में आप जानते हैं कि जुलाई अगस्त के बाद क्या स्थिति रहती है अगर अच्छी बारिश हो जाए। तो ये सारी बातें हैं, कुल मिलाकर ये समय आपको मिला है सोचने का, विचारने का, मंथन करने का कि जो आपने इस बार एग्जाम दिया था उसमें क्या क्या गलतियां हुई थी या प्रश्न का चरित्र क्या था, और अब हमें जो समय मिला है उसमें कितना, कैसा, किस स्तर पर हमें सुधार करना चाहिए और तब ऐसी तैयारी करनी चाहिए इस बचे हुए 60-70 दिनों में जो आपको एक्स्ट्रा मिल गया है कि हमारा कट ऑफ पार कर जाए। सारे प्रश्न फिर भी नहीं बनेंगे बट हमें कट ऑफ पार करना है और कट ऑफ पार करने के बाद ही फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू, ये सब होता रहेगा। तो माइंड सेट बनाकर रखिए, हमारा भी कोर्स स्टार्ट होगा, आप भी तैयार रहिए, अपने स्तर पर पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए कि किस तरह के प्रश्न आएंगे और किस लेवल पर पढ़ाई को मजबूत करना है। टेक केयर।